इस वीडियो में ब्लू स्क्रीन को फिक्स करना सीखेंगे। सबसे पहले एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर ट्रबल शूट पर क्लिक करेंगे, एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और स्टार्टअप रिपेयर पर क्लिक कर देंगे। यह बीएसओडी एरर का पार्ट टू वीडियो है। इससे पहले मैंने एक बार और वीडियो बनाया, उसमें सारे डिटेल है डेप्थ में, उसे भी और एक बार देखिएगा। इस बार देखते हैं ये ऑन हो रहा है क्या हो, नहीं हुआ है तो फिर से एडवांस ऑप्शन, फिर से ट्रबल शूट, फिर से एडवांस ऑप्शन। इस बार क्या करेंगे, अपडेट को अनइंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले लेटेस्ट क्वालिटी अपडेट को अनइंस्टॉल करूँगा, क्लिक कर देंगे अनइंस्टॉल क्वालिटी अपडेट। जैसे ये अनइंस्टॉल हो जाएगा वैसे ही दूसरा वाला भी अपडेट को अनइंस्टॉल कर देंगे। डन पर क्लिक करेंगे, फिर से वहीं पर जाना, ट्रबल शूट, एडवांस ऑप्शन, अनइंस्टॉल अपडेट, अनइंस्टॉल लेटेस्ट फीचर अपडेट, यहाँ पर भी अनइंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, क्लोज करूँगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। देखते हैं हमारा अपडेट को अनइंस्टॉल करने के बाद या हमारा पीसी सही हुआ है ना, नहीं सही हुआ। फिर से हम लोग एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से ट्रबल शूट पर क्लिक करेंगे, एडवांस ऑप्शन। इस बार हम लोग क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से करेंगे। यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे, SFC/scan now, फॉरवर्ड स्लैश हमें लगाना है। इंटर मारूंगा और ये स्कैन करेगा। ये 100 तक होगा तो मैं वीडियो थोड़ा बीच में कट कर दूंगा। ठीक है, अब एक और कमांड लगाना, CHK DSK स्पेस देना है, फॉरवर्ड स्लैश R C colon, इंटर मार देना है। सी यानी हमारा सी ड्राइव, सी ड्राइव में भी हमारा विंडोज इंस्टॉल होता है, तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा आपका विंडोज किस ड्राइव में इंस्टॉल है। ये 5 स्टेज में स्कैन करता है, थोड़ा ये टाइम लेता है तो मैं वीडियो को थोड़ा कट कर दूंगा। देखिए स्कैन हो गया, अब यहाँ पे एक्सिट लिखूंगा और बैक हो जाऊंगा और कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, चेक करेंगे इस बार हमारा सही हुआ या नहीं। ये नहीं सही हुआ, एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ट्रबल शूट पर जाएंगे, एडवांस ऑप्शन, सिस्टम रीस्टोर से हम लोग करेंगे। अगर आपका रीस्टोर पॉइंट बना होगा आपके सिस्टम में तो उससे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट वाला रीस्टोर पॉइंट पहले ट्राई करता हूँ। ये हमारे पास 2 रीस्टोर पॉइंट बना हुआ है तो ट्राई कर लेंगे एक एक कर कर। फर्स्ट वाले पर गया, नेक्स्ट किया, फिर फिनिश कर दूंगा, यस कर दूंगा। ये करीब 5 मिनट लेगा और हमारा सिस्टम को ये रिस्टोर कर देगा। अगर फर्स्ट वाले से नहीं होता है तो आप सेकंड वाले से ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं इस वजह से होता है या नहीं। फिनिशिंग रिस्टोर लिख रहा है, लगभग हो ही चला, हो गया। अब रिस्टार्ट कर लेता हूँ पीसी, देखते हैं होता है या नहीं। इस बार भी नहीं हुआ, एडवांस ऑप्शन पर फिर से जाएंगे, ट्रबल शूट पर जाएंगे, एडवांस ऑप्शन, सिस्टम रिस्टोर, फिर से वही प्रोसेस दोहरा देना है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक रिस्टोर पॉइंट जो दूसरा वाला है उस पर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, यस कर दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है, इससे रिस्टोर हमारा होता है या नहीं। ये भी लगभग फिनिश होने का, रिस्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। अब इससे भी हमारा सही नहीं हुआ, एक बार ये स्टार्ट करके देख लेते हैं सिस्टम को, क्या पता अब सही हो जाए। एक काम करता हूँ, फोर्सफुली एक बार बंद कर कर चालू कर लेता हूँ, उससे भी कभी कभार हो जाता है सही बीएसओडी एरर केस में। इतना प्रोसेस करने के बाद हो जाना तो चाहिए, नहीं होगा तो और भी हमारे पास प्रोसेस है, उसे हम ट्राई करेंगे। इससे भी नहीं सही हुआ तो एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ट्रबल शूट पर क्लिक करूंगा, एडवांस ऑप्शन में जाऊंगा और स्टार्टअप सेटिंग और रीस्टार्ट पर क्लिक करूंगा। इसे सेफ मोड में ले जाऊंगा और जो ड्राइवर हैं कुछ जो करप्टेड हैं उसे मैं सही करूंगा। तो यहाँ पे 5 क्लिक करूंगा, 5 जो कीबोर्ड से बटन है दबाऊंगा अगर सेफ मोड में जाता है तो। ये नहीं गया, अगला है ट्रबल शूट, फिर रीसेट कर देंगे इस पीसी को। इसमें क्या होगा कि कीप माई फाइल्स में फाइल हमारी बची रहेगी, रिमूव एवरीथिंग में सारा चीज़ उड़ जाएगा। ये सब मेथड के बाद नहीं होता है तो आप क्या करें, पेन ड्राइव का बूटर बनाएं और बूट करें अपने पीसी को और नया OS चढ़ाएं। और मैं बताऊंगा अगर पुराना वाला डाटा कैसे बचाना है, तो आपको पुराना डाटा चाहिए तो
इसे बूट हो जाने दीजिए। नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे पर पुराना डाटा बचाकर। बूट कराने के लिए बूट की होता है F8 से F12 के बीच। आप अपने कंप्यूटर के मॉडल के अनुसार इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से लैंग्वेज बोल रहा है तो मैं इंग्लिश रहने देता हूँ, और कीबोर्ड जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं, मैं इसे नेक्स्ट रहने देता हूँ। और यहाँ पर टिक करना है, इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज 11, नेक्स्ट कर रहा हूँ। और भी हमारे पास प्रोडक्ट की है नहीं, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। यहाँ से कौन सा विंडोज का वर्जन इंस्टॉल कराना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर जब आप अपना कंप्यूटर को बूट करके यहाँ पर लगेगा तो अक्सर लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि फॉर्मेट कर देते हैं इस वाले ड्राइव को, तो हमें फॉर्मेट नहीं करना है, बस नेक्स्ट कर देना है। डायरेक्ट क्या होगा, पुराना वाला जो हमारा डाटा रहेगा वो विंडोज डॉट ओल्ड करके नाम से एक फोल्डर बन जाएगा सी ड्राइव में, तो पुराना वाला डाटा हमें वहाँ पे मिल जाएगा और नया ओएस भी चढ़ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट फॉर्मेट कर दे पर पुराना डाटा हमें बचा कर रखना है, तो हिरेन का बूटेबल पेन ड्राइव बनाए और उसे कंप्यूटर में लगाकर बूट करा लें। जो F8 से लेकर F12 के बीच कोई भी एक बूट की होता है, वो मॉडल के अनुसार आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। उसके बाद वो विंडो 10 के फॉर्म में आपको खुल जाएगा, और उसी पेन ड्राइव में स्पेस होगा तो उसमें भी करा सकते हैं, या अलग से कोई हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाकर उसमें फाइल कॉपी कर सकते हैं, या कंपनी में है तो IP की मदद से शेयर ड्राइव पर भी भेज सकते हैं। वो आपको एक इन्वायरमेंट दे देगा जिसकी मदद से आप सारे डाटा को कॉपी कर सकते हैं।